अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार डिश लेकर आई हूँ, बीफ पसंदे। आज मैंने पसंदों का सालन बनाया था, उसकी वीडियो बनाई थी और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस स्टाइल में पसंदे बनाती हूँ। वैसे तो ये डिश ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है, हमारे घर में भी ये पसंद की जाती है। तो आइए इसको देखते हैं कि मैंने अपने स्टाइल में इसको कैसे बनाया। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। पसंदे का सालन बनाने के लिए मैंने बीफ का 900 ग्राम बीफ ले लिया है और इसको पतले पतले इस तरह से पीसेज में कटवा लिया है। तो पतले पतले पीसेज में हम इसको कटवा लेंगे। आप चाहें तो घर में भी काट सकते हैं और चाहें तो आप बाज़ार से भी, शॉप से कटवा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको किचन हैमर से जो है वो अच्छी तरह से, देखें मैं किस तरह मार मार के इसको फ्लैट कर रही हूँ। इसके किचन हैमर जो होती है, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक तो फ्लैट साइड होती है और एक टेक्सचर साइड होती है। मैं इसको टेक्सचर साइड, जहाँ पर डिज़ाइन बना होता है, उससे मैं इसको मार मार के पतला कर रही हूँ। उससे ये होता है कि इसको मीट टेंडराइज करने में आसानी होती है। ये जो साइड होती है इसीलिए मारी जाती है ताकि हमारा जो भी हमारा मीट है वो अच्छी तरह से, इस तरह से देखें इसमें सुराख भी होकर डिज़ाइन बन गया और इसमें जो है अच्छी तरह से मसाला भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस ये अच्छी तरह से टेंडराइज भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं तमाम जितने भी मेरे पास पीसीज हैं गोश्त के, तो मैं इस तरह से मार मार के उनको एक जैसा कर लूँगी, इनको फ्लैट कर लूँगी और मैं इनको पतला कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं तमाम जितने भी मेरे पास पीसीज हैं इनको मैंने अच्छी तरह से हैमर से ये कर लिया है। इसके बाद मैंने इनको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। तो मसालों के लिए जो है मैंने ले लिए हैं, साबुत धनिया है मेरे पास 3 चमचे और 15-20 बादाम, काजू हैं। इसके अलावा मैंने कुछ खोपरा लिया है, 1/4 जो हमारे पास साबुत खोपरा आता है उसका 1/4 मैंने खोपरा ले लिया था, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। और इसको जो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, हम इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जब ये थोड़ा सा आखिर में, सबसे आखिर में हम सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको करेंगे, जिसमें मैंने ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग ले ली थी। तो इनको भी हम इसमें ही शामिल कर देंगे जो हम अभी इससे पहले हम ड्राई रोस्ट कर रहे थे। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तब हम इसको शामिल करेंगे आखिर में और थोड़ा सा बस इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये देखिए मैंने तमाम मसाले ग्राइंडर में पीस लिए हैं, तो हम इनको सबको अच्छी तरह से पीस लेंगे और हम इसको पसंदों में शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैं कुछ स्पाइसेस लूँगी, जिसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, पिसी हुई मिर्चें ली हैं, हल्दी ली है और नमक लिया है। तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगी, मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी है। ये 2 चमचे जो है वो पपीते का पेस्ट है, वो मैं डालूँगी कच्चे पपीते का पेस्ट, वो भी इसमें जाएगा। और इसके अलावा 3-4 चमचे मैं इसमें, 3 से 4 चमचे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करूँगी, ये भी इसमें जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो पहले तो मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही थी, लेकिन स्पैचुला से मिक्स नहीं होगा ये, इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको हम मिक्स कर रहे हैं तमाम मसालों को इसमें। अब आखिर में जो है वो इसमें एक चीज़ रह गई थी, भुने हुए चनों का पाउडर। ये मैं तकरीबन 2 बड़े चमचे भुने हुए चनों का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने भुने हुए चने पीसने के बाद इनको अच्छी तरह छान लिया था और वो छानने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये पसंदों का मसाला हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया, पसंदों को मसालों के साथ। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसको 1 घंटे के लिए हमें मैरिनेट करना है, उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। 1 घंटा हो चुका है और हमारा पसंदे जो है मैरिनेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है। अब हम इसका जो है वो मसाला तैयार करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। अब मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया है, उसमें मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो इस तरह स्लाइस कर ली थी। तो प्याज हम इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेंगे, इसमें प्याज डाल के हमें फ्राई करना है और फ्राई करके हम प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज फ्राई हो गई और मैं तमाम प्याज को ऑयल से रिमूव कर दूंगी, इसको बाहर निकाल लूंगी। तो प्याज को मैं तमाम प्याज को इसी तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने तमाम प्याज अलग कर लिए हैं ऑयल से। अब ऑयल में हम जो है हमने पसंदे जो मैरिनेट किए थे हम वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से हम ऑयल में फ्राई करेंगे, जो मैरिनेट किए पसंदे हैं मसाले के साथ। अब हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जब हम इसको 2-3 मिनट फ्राई कर चुके होंगे और अच्छी तरह से हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ पसंदों को।
जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे वह संधे हमारे, तो इसमें मैं तकरीबन आधा कप दही डालूंगी। हम इसमें एक कप दही इस्तेमाल कर रहे हैं, 200 ग्राम मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने 100 ग्राम दही डाल दी है। और 100 ग्राम दही जो है हम प्याज के साथ पीस के शामिल करेंगे इसमें, जो हमने फ्राई प्याज निकाली है उसमें पीस के शामिल करेंगे। मुझे इसमें नमक कम लग रहा था, मैंने नमक और डाल दिया है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। और अच्छी तरह से मैं इसको भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास पानी डाल दूँगी। 1 से 1.5 ग्लास पानी हम इसमें डाल देंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसको ढककर रख देंगे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। तकरीबन ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद इसको खोला है, माशाल्लाह पसंदे जो है वो पक रहे हैं। और इसमें मैंने जो फ्राई प्याज थी वो पीस ली थी दही के साथ, जो हमारा आधा कप दही बचा हुआ था तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। इसमें मैंने शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको मैं फिर ढककर रख दूँगी दोबारा पकने के लिए, ताकि हमारा गोश्त गल जाए अच्छी तरह से इसके तमाम मसालों के साथ। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा खोला तो ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये पसंदे पक रहे हैं और इनका पानी भी हल्का हल्का ड्राई हो रहा है। ये देखिए पसंदों को मैंने चेक किया, ये अच्छी तरह से गल चुके थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, ये देख सकते हैं। और आज का मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले को भी हमने अच्छी तरह भून लिया था, गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल चुका था। अब हमें ग्रेवी के लिए जितना पानी इसमें रिक्वायर्ड है हम वो डालेंगे। मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला है इसमें ग्रेवी के लिए, मुझे इसकी बहुत ही थिक ग्रेवी चाहिए। इसके बाद इसको ढककर हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे दम पर। और ये देखिए हमारे पसंदे तैयार हो चुके हैं, इनका ऑयल भी ऊपर आ गया है। मैं आखिर में सबसे आखिर में इसमें गरम मसाला डालूंगी और इसमें मिक्स कर दूंगी। पसंदे बिल्कुल रेडी हैं, आइए इसको हम डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार से पसंदे का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पसंदे, सबको बहुत पसंद आए थे, इसका मसाला भी बहुत ही मज़ेदार था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। मैंने इसमें सिर्फ छोटी इलायची कूट के हल्की सी आखिर में शामिल कर दी थी और डेकोरेट कर दिया था उससे। इसमें खशखाश भी शामिल की जाती है, आप 2 चम्मच खशखाश पानी में भिगो के अच्छी तरह पीस के इसमें मसाले के साथ जब मैंने मैरिनेट किया था उसमें शामिल कर दीजिएगा। चूँकि यहाँ सऊदीया में अवेलेबल नहीं होती खशखाश तो मैंने इसमें नहीं डाली। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।